हेलो दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा विकास कोचिंग केंद्र सरा बलिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को वर्ण के बारे में बताऊंगा आज, जो सभी कंपटीशन परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हिंदी वर्ण दोस्तों, वर्ण जिसे हम ध्वनि या अक्षर के नाम से भी जानते हैं। आपको ये बता दूं कि ध्वनि दो तरह की होती है। एक ध्वनि तो ऐसी होती है जिसको प्रकट करने के लिए हम कोई चिन्ह या निशान नहीं दे पाते, जिस वजह से हम उसको पहचान सकें। जैसे जानवरों की बोली, ताली की आवाज, बादल का गर्जना, चिड़ियों का चहचहाना आदि, इससे हम कोई रूप नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं भाषा में जिसके लिए हम कोई न कोई पहचान या चिन्ह दिए। हमारे भाषा शास्त्र के वैज्ञानिकों ने ध्वनि के लिए, प्रकट के लिए कोई चिन्ह दिए हैं। स्वरों के पहचान के लिए कोई न कोई निशान बनाए, जिस चिन्ह को हम लिपि बोलते हैं। भाषा में ध्वनि को पहचानने के लिए उसका जो प्रतीक दिया गया, जिसे हम लिपि कहते हैं। और यहां पर एक बात बता दूं, कंपटीशन में कभी कोई पूछा जाता है हिंदी भाषा की लिपि, तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब आपको बताऊं कि लिपि में जो बधी हुई रचना, लिपि में बधा हुआ जो रूप है भाषा का, जिसे हम बोलते वर्ण, ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। देखिए दोस्तों, स्वर क्या होता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यह स्वर की परिभाषा है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो स्वयं बिना किसी के मदद के बोले जाए उसे कहते हैं स्वर। स्वर के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की मदद की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतः अपने आप बोले जाए उसे बोलते हैं स्वर। स्वतंत्र रूप में जो वर्ण बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। इसी क्रम में व्यंजन की परिभाषा बता दूं कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आइए बारी बारी से दोनों के बारे में जाने। सबसे पहले आपको बताऊं स्वर के बारे में। दोस्तों स्वर को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। देखिए, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर चार हैं, अ इ उ री। दोस्तों हिंदी भाषा में ये चार ह्रस्व स्वर हैं। आइए दीर्घ की बात करता हूं। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, यानी इसके उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है, इसे हम कहते हैं दीर्घ। आइए बताऊं दीर्घ स्वर, आ ई ऊ ए ऐ ओ, ओ। दोस्तों हिंदी भाषा में ये सात जो है दीर्घ स्वर हैं। आइए बात करता हूं प्लुत के बारे में। दोस्तों जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुत, यानी प्लुत के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों से ही अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, इसे हम बोलते हैं प्लुत। इसके लिए हम स्वर के सामने तीन का निशान बनाते हैं, यह इसकी पहचान है। जैसे ओम, देखिए दोस्तों ओम में ओ पर हम बहुत देर करते हैं, ओम ऐसे बोलते हैं, यह इसकी पहचान है। तीन का निशान ये प्लुत की पहचान है, इसको हम बहुत देर तक बोलते हैं। वैसे इसका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम नाम मात्र के मिलता है, ज्यादातर इस्तेमाल इसका संस्कृत भाषा में
या कहीं नाटक आदि में होता है, बहुत कम प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों ईश्वर के भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब आइए इस बारे में थोड़ा सा कुछ विशेष बात बताऊं। जो आप यहां देख रहे हैं ह्रस्व स्वर अ ए उ ऋ, वास्तव में इन ह्रस्व स्वरों को ही हम मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं क्योंकि मूल स्वर वास्तव में चार ही हैं। दीर्घ स्वर आइए, दीर्घ स्वर में जो ए आई ओ औ ये जो चार स्वर देख रहे हैं, वास्तव में ये दो स्वर मिलकर बने हुए हैं जिसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर देखिए दोस्तों, ए आई ओ औ ये चार स्वर दो स्वर मिलकर बने हैं। देखिए कैसे, जो ए है अ और ई मिलकर बना ए, आई के बने जाने अ और ए मिलकर बना है आई। ओ के बारे में बताऊं, अ और ऊ मिलकर बना है ओ, ओ जानिए अ और ओ मिलकर बना है ओ। तो दोस्तों ये जो चार स्वर आप देख रहे हैं, ये स्वर दो दो स्वर मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ये चार ह्रस्व स्वर जैसे आप मूल स्वर कहते हैं, और ये सात जो है दीर्घ स्वर है। तो सात और चार ग्यारह, हिंदी वर्णमाला में ग्यारह स्वर हैं। ए वर्णमाला में नहीं, यानी स्वर में, स्वर में ग्यारह स्वर हैं। वर्णमाला में जो स्वर व्यंजन बांटे थे तो स्वर के बारे में आपको बताया था, स्वर ग्यारह हो। अब देखिए आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी, जो जिसे अंग और अह कहते हैं, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार को इस रूप में जानते हैं और विसर्ग को हम इस रूप में जानते हैं। देखिए अनुस्वार और विसर्ग वास्तव में इसको हम बोलते हैं अयोग वाह, इन दोनों को हम बोलते हैं अयोग वाह। देखिए अयोग वाह का तात्पर्य है अयोग यानी जुड़े नहीं हैं, वाह माने साथ रहने वाले। वास्तव में ये स्वर में जुड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी ये साथ साथ चलते हैं, इनको बोलते हैं अयोग वाह। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की चर्चा करने के पश्चात स्वर का विभाजन किया ह्रस्व दीर्घ प्लुत रूप में, और थोड़ा सा कुछ विशेष बात अयोग वाह के बारे में बताएं। और मैं अगले वीडियो में आपके सामने व्यंजन लेकर उपस्थित होऊंगा और उस बारे में विस्तार से बताऊंगा।